लोगों की स्किन केयर रूटीन्स होती हैं, अलग अलग किस्म के फेस वॉश होते हैं, और मैं यहाँ मुंह धो लूं बड़ी बात है। भाई मेरा फिर से मनाली जाने का मन कर रहा है। पहले भी गए हो? नहीं, पहले भी दिल किया था। अगर आप अपनी सेहत को बनाए रखना चाहते हैं तो रात को खाना खाने के तुरंत बाद ना सोएं। कृपया थोड़ी देर हमारी वीडियो देखने के बाद सोएं। इससे आपकी सेहत बनी रहेगी। थैंक यू। पैसे का क्या है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं होगा। इंडिया में देर आर टोटल 29 स्टेट्स एंड आई लिव इन अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी। जब लाइफ में ही बैलेंस नहीं है तो बैंक में घंटा बैलेंस होगा। क्रेडिट ऑल्सो गोज आउट, डेबिट ऑल्सो गोज आउट। अपने पास कुछ आता ही नहीं है। इंस्टा के पोस्ट तो सेव कर लेता हूँ, पैसे क्यों नहीं सेव कर पाता। भैया ये शर्ट कितने की है? 500। 500 भैया, 300 में दे दो यार। ठीक है ले जाओ। अच्छा ठीक है, ये लीजिए पैसा। अरे यार 250 बोलना चाहिए था। आने वाली दिवाली को 4000 के पटाखे जलाने से बेहतर है अपने 4 दोस्तों को शराब पिलाओ। उनकी दुआ से तुम 4 दिन ज्यादा जियोगे। देश को केवल कुवारे ही बदल सकते हैं, क्योंकि शादीशुदा तो टीवी का चैनल भी नहीं बदल सकते। दुनिया के हर दामाद को यही वहम रहता है कि मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत मानते हैं। तुम, हाँ तुम ही से कह रहा हूँ, तुम आवारा कुत्ते, गंदी नाली के कीड़े, मलेरिया के मच्छर से दूर रहना, बीमार पड़ सकते हो ना। हाँ जगर, आजकल जिंदगी बस यही चल रही है, दोस्तों को रीलें भेजो और उनकी फजूल घटिया वल्गर किस्म की रीलें देखो। माँ बाप से डांट खाओ सुबह, ना खाना ढंग का मिले, बस यही है। नहाने जाओ तो पानी मुक जाता है, घर आओ तो लाइट चली जाती है, ना फोन की बैटरी रह गई है कुछ पता नहीं, जब नेट यूज करने लगो पैकेज आउट हो जाता है यार। बस क्या करें, फिर लोग कहते हैं यार तुम तो बहुत लकी हो। खाक लकी है यार, यहाँ पे लाले पड़े हुए, एक आइसक्रीम अफोर्ड नहीं हो रही आजकल, इतनी महंगाई हो। भाई तेरे बारे में एक बात पता चली है। जो सुना है भाई वो मान लो, मेरे पास ना समझाने का टाइम नहीं है। तुम चाहो तो अपने पास से कुछ और भी ऐड कर सकते हो उसमें, जो सोचना है जैसा सोचना है वैसा सोचो। चार तरीके जिससे आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। पहला, आप कम से कम दिन में एक बार दारू पिए। दूसरा, आप 4 से 5 सिगरेट पिए डेली। तीसरा, आप घर का खाना मत खाइए, सिर्फ पिज्जा और बर्गर खाइए। चौथा, इस पॉइंट की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि आप कभी बूढ़े हो गए नहीं, क्योंकि आप जवानी में ही मर जाओगे। अगर आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे और आपको उनको स्पेशल फील कराने, तो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको गर्लफ्रेंड है तेरे पास? रिजल्ट मेरा, पढ़ाई मेरी, करियर मेरा और लाइफ भी मेरी, पंचायत कौन करेगा? रिश्तेदार। दुआ करो कि कभी बीमार हुए तो बड़े हॉस्पिटल ना जाना पड़े, क्योंकि वहाँ जाकर अगर रोग मुक्त ना हुए तो चित्रगुप्त से मिल जाओगे, और अगर रोग मुक्त हो गए तो जमीन जायदाद से मुक्त हो जाओगे। ये दुआ जरूर। भाई एक बात बोलूं? हाँ बोल। ये जो तेरी सेटिंग है उसकी सहेली से मेरी सेटिंग करवा दे यार। जाने दे यार, शकल सही नहीं है। अबे मैं एडजस्ट कर लूंगा। अबे तेरी शकल की बात कर रहा हूँ। बड़ा है एडजस्ट कर। ऐसी लड़की को कभी भी अपना बॉयफ्रेंड मत बनाना जो ये 3 चीजें करे। 3 चीज गई भोका, तू पहले मेरे को ये बात बता, क्या बोला तू? ऐसी लड़की को कभी भी अपना बॉयफ्रेंड मत बना। इसीलिए परम पूज्य श्री वैभव भाऊ राठौड़ ऐसा कहते हैं कि आण भात और साबूदाना की खीर मिक्स करके नहीं खाने का। देखो नतीजा, ऐसी किसी लड़की को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना। अबे अगर ऐसी लड़की को हम हमारा बॉयफ्रेंड नहीं बनाएंगे ना, तो वो लड़की हमें उनकी गर्लफ्रेंड बना देंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। दोस्तों कभी कभी लगता है कि मैं आज की जनरेशन का ओके भी आज की जनरेशन का बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि जो सारी चीजें आज की जनरेशन के लोग करते हैं उससे मेरा दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। मैं ना फूकता हूँ, ना पीता हूँ, ना नशे करता हूँ, ना लेट नाइट पब्स वगैरह में जाके पार्टी करता हूँ, और यही सारी चीजें आज की जनरेशन को करना पसंद है। और अगर बाय चांस हम इन्हें कहते कि हम ये सारी चीजें नहीं करते, तो इन्हें यकीन ही नहीं होगा, उल्टा सामने से हमें पूछने लगेंगे कि कभी ना कभी टेस्ट तो किया ही होगा, एक सिप तो लिया ही होगा, एक पफ तो मारा ही होगा। पहले के जमाने में अगर कोई इंसान फूकता था, पीता था, तो लोग उसे देख के शौक हो जाते थे, लेकिन आज के जमाने में अगर कोई इंसान ये सारी चीजें नहीं करता है तो उसे देख के शौक हो जाते हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि आज के जनरेशन में भी हम जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं।
क्लास है लग नहीं रही है, टीचर आ नहीं रहे हैं, कोई हालचाल पूछ नहीं रहा है, दोस्त बन नहीं रहे हैं, पैसे बच नहीं रहे हैं, अटेंडेंस लग नहीं रही है, नींद मिल नहीं रही है। समझ नहीं आ रहा है कि हम कॉलेज को सीरियसली नहीं लेते या कॉलेज हमें सीरियसली नहीं लेता। अगर कोई शादीशुदा आदमी नींद में मुस्कुराए तो समझ लेना वो सपने में अपनी पत्नी को मायके छोड़कर आ रहा है। नहीं, तुम लोगों ने कसम खा रखी है कभी किसी का अच्छा नहीं सोच सकते। फिर क्या हुआ, बेचारा मोटा है, कम से कम अपना काम तो कर रहा है, बार बार सोच रहे हो अभी गिरेगा है। वैसे सोच तो मैं भी यही रहा था। लॉटरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, इस मतलबी दुनिया में एक अच्छे इंसान का मिल जाना भी किसी लॉटरी से कम नहीं है। खुश क्या हो रहा है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि मेरे जैसा अच्छा इंसान तुझे मिल गया है तो इज्जत कर अगर मेरी। मुझे मेरे घर में पंखे की हवा तक नहीं लगती और मेरे घर वाले कहते हैं इसको बाहर की हवा लग गई है। मेरे पास टेंशन है, डिप्रेशन है, उदासियां हैं, मुसीबतें हैं, सर दर्द है, तुम्हारे पास क्या है गरीबो? स्कूल लाइफ भी बोरिंग, कॉलेज लाइफ भी बोरिंग, वर्क लाइफ भी बोरिंग, सोशल लाइफ भी बोरिंग, पर्सनल लाइफ और भी ज्यादा बोरिंग, और दोस्तों की लाइफ हद से ज्यादा बोरिंग। डोंट टेल मी टू गो लिव माय लाइफ। यार मैं तो कहता हूँ ना कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को KFC ले जाएं और KFC का पिज्जा खिला दें। आए हाय 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 हाय। अब आप कह रहे होंगे कि यार KFC का पिज्जा तो होता ही नहीं है। नहीं होता KFC का पिज्जा, आप भी तो सिंगल हैं, आपके पास गर्लफ्रेंड है। आरजे भाई क्या रे, आजकल तू मेरे को याद नहीं करता। अरे सुबह तेरी याद ही नहीं आती रे। सुन बुरा मत मान, लेकिन नहीं नहीं मैं मानूंगा। क्या नहीं, मैं बुरा मान जाऊंगा। अरे बात सुन के तो देखना है एक बार। बुरा मत मानने, इतना बड़ा वादा मैं नहीं दे सकता। That's just not how I roll। नहीं, तू इसलिए बोल रहा ना बुरा मत मान क्योंकि तुझे पता है कि तू कुछ ऐसा बोलने वाला है जिससे मुझे बुरा लगेगा। Yeah, I guess। हाँ, जब तुझे वो पता है तो मत बोल, सुन के तो देख एक बार, हो सकता है उतना बुरा ना लगे। कसम मैं बुरा मान जाऊंगा। तू मेरे बारे में कुछ ऐसा सोच रहा है जिससे मैं बुरा मान जाऊंगा, ये फैक्ट को सोच के ही मेरे को रोना आ रहा है। अरे नहीं, मैं तेरा तारीफ ही करने वाला था, डोंट वरी। डोंट रियली। कौन सा तारीफ? दिवाली का टाइम है दोस्तों, अब कुछ लोग कहेंगे, ज्ञान बांटेंगे कि बिना पटाखों के दिवाली मनाओ। मनाएंगे ना, आप बिना तनख्वाह के नौकरी करके दिखाओ। बात करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर आपके दोस्त ने आपको 300 करोड़ पेटीएम कर दिया है तो ये 6 बेडरूम पैलेस आप खरीद सकते हैं। उसने जस्ट अभी पेटीएम करे मेरे को 300 करोड़ रुपए, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट क्या कहलाऊँ, मुझे खरीदना है, मैं बहुत बेताब हूँ खरीदने के लिए यार। अब मैं बदल गया हूँ, पहले डर लगता था कि लोग क्या बोलेंगे, अब डर लगता है कि कहीं लोगों को मैं कुछ ना बोल दूं। मौसम ने ली अंगड़ाई और निकाल ली आपने रजाई, आइसक्रीम से हुई लड़ाई और मूंगफली घर में आई, शरबत से मुंह मोड़ लिया, चाय से नाता जोड़ लिया, और जरा सी ठंड क्या पड़ी आपने तो नहाना ही छोड़ दिया। वो चांद देख रहे हो, उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो तुम। अगर ये वीडियो किसी ने आपको भेजी है ना, ज्यादा खुश मत होना, बस एक बार फ्रंट कैमरे में अपनी शक्ल चेक कर लेना। काजू कितना भी स्वादिष्ट हो पर वो पोहे में मूंगफली की जगह नहीं ले सकता, ठीक उसी तरह बीबी कितनी भी सुंदर हो पर वो पड़ोसन की जगह नहीं ले सकती। बाद में तो दम है भाई। दिवाली आ रही है, इस बार भी नहीं मना पाऊंगा, छुट्टी पड़ने वाली है, छुट्टी के बाद एग्जाम है, दिवाली पार्टी पे जाऊंगा, किसी ने इनवाइट ही नहीं किया, गिफ्ट में खाने पीने का सामान आया है, मम्मी ने सारे गिफ्ट आगे चेप दिए, फुल सेलिब्रेशन ओनली डिस्प्रेशन। टांगों के बिना आप कैसे लगेंगे, यकीनन बुरे लगेंगे, इसीलिए अपनी टांगे दूसरे के काम में मत अड़ाओ। हाँ। वैसे तो सर्दी के मौसम के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन एक फायदा मैं भी बता देता हूँ, इस मौसम में गर्मी बिल्कुल नहीं लगती। नमस्ते, मेरा नाम प्रिया है और मैं वैन में रहती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अनुराग है और मैं डिप्रेशन में रहता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम गौरव है और मैं नशे में रहता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम शैली है और मैं डिल्यूजन में रहती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम साहिल है और मैं मीटिंग्स में दिमाग से गायब रहता हूँ। हेलो, मेरा नाम अभिनव है और मैं ओए बाढ़ में जा
और मैं भाड़ में रहता हूँ। हाय, मेरा नाम बेरोजगार है, घर वाले मेरी इज्जत करे, मैं इस उम्मीद में रहता हूँ। कल रात मेरे घर में चोर घुस गए थे दोस्तों, पूछ रहे थे माल किधर है, मैंने भी कह दिया पड़ोस में। साले हंसते हंसते पीट कर चले गए मुझे। लड़कियों के पास बहुत चुना होता है, पर वो सच्चा प्यार करने वाले लड़कों को ही लगाती है। हम लड़के हैं जनाब, हम अगर 2 रुपए का शैम्पू भी लेंगे तो आधा आज इस्तेमाल करेंगे और आधा कल के लिए छोड़ देंगे, लेकिन अगर 200 रुपए का पौवा ले लिया तो उसको कल के लिए नहीं छोड़ेंगे, आज अभी और इसी वक्त पीकर खत्म कर डालेंगे। एक होती वो लड़कियाँ जिनका एक प्राइवेट अकाउंट होता है, एक होती हैं वो लड़कियां जिनका एक प्राइवेट और एक ओपन अकाउंट होता है, फिर आती वो महान लड़कियां जिनके दोनों ही अकाउंट प्राइवेट होते हैं। क्यों? और जो दूसरा वाला अकाउंट है उसको बायो के अंदर मेंशन कर रखा है फॉर मेंस करके। इस वाले अकाउंट पे तेरे मेंस नहीं है क्या? और ऐसी कौन सी प्राइवेसी है जो तेरे से एक अकाउंट पे रखी नहीं जा रही है? जवाब दे भाई। लोग भले ही शादी की अंगूठी सिर्फ एक बार ही पहनते हैं, लेकिन उसके बाद गृह शांति के लिए कई प्रकार की अंगूठियां पहने दिखाई देते हैं। बेचारे शादी। रिश्तेदार भले ही हाल चाल ना पूछे, लेकिन स्टेटस पर बराबर नजर रहती है उनकी।